सो गुड मॉर्निंग और स्वागत है फिर से आप लोग का मेरे इस चैनल पर। और आज मैं रुका हूँ खुर्शीदाबाद, ऐसा ही इसी तरह करके कुछ जगह है जो बेलतोली से लगभग 2 किलोमीटर अंदर है, आउटसाइड में है थोड़ा। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे कैनिंग के लिए, कैनिंग थोड़ा कुछ काम है, फिर कैनिंग से कोलकाता के लिए निकलेंगे। तो आज शाम कोलकाता में स्टे किया जाएगा, फिर उसके बाद उड़ीसा के लिए कल निकलेंगे। तो अभी तो फटाफट 7 बज रहे हैं, अब हम निकलने वाले हैं। फ्लैग जा रहा हूँ अपना थोड़ा साइकिल पर लगाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा कल सुंदरवन भी घूम के, बहुत कुछ देखने को और सीखने को भी मिला। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस एडवेंचर का और दिखाते हैं कि हम कहाँ पर रुके हैं आप लोगों को। ये रही तालाब, ये रहा घर जिसमें मैं रुका हुआ था, और ये रहे यहाँ के लोग। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये नदी पार करके ही हमें वापस कैनिंग जाना पड़ेगा। और अभी हम फिर से एक बार लिए हैं बोट और फिर उसके बाद हम चलेंगे कैनिंग के लिए। बिस्किट ले लो। अरे नहीं, एक बिस्किट दीजिए या पाव रोटी जो लेना है ले लीजिए। टोस्ट दीजिए, पाव रोटी मत दीजिए, टोस्ट दीजिए। तो सो गाइस जैसा कि अब हम आ चुके हैं, नदी पार कर चुके हैं और अब कैनिंग का यही रास्ता, यहीं पे रुके हैं चाय नाश्ते के लिए। तो यही भाई हमें लाया है गाइड करके कि चलो मैं वहाँ तक जाऊँगा, मेरे साथ चल चलो। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे चाय नाश्ता करके निकलते हैं। यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर कैनिंग है, कैनिंग में ही अब थोड़ा रेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद कोलकाता चला जाएगा, क्योंकि कैनिंग से कोलकाता 60 किलोमीटर है, तो काफ़ी लंबा राइड नहीं है, आराम से अपना राइड कर लेंगे। तो फाइनली गाइस कैनिंग आ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं समथिंग 10:30 बज रहा है, और यहाँ पे आके कुछ लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ, वो लोग आ रहे हैं, उनसे मिल के आगे की राइड को कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल अभी तो थोड़ा बहुत रेस्ट ही ले रहा हूँ, और यहाँ से 2-3 रूट मिल रहे हैं कोलकाता के लिए। तो देखता हूँ कि कौन सा रूट बेस्ट रहता है, जो मतलब थोड़ा लॉन्ग ही पड़े तो क्या, लेकिन थोड़ा अच्छा रहे, बढ़िया रूट मिल जाए तो बेटर रहता है, वो रास्ता भी सही रहता है तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो चलिए देखते हैं कि मिलने के बाद कब डिसाइड करेंगे कि कौन से रूट से चलेंगे। वही तो, पूरा बंद है, हमें लगा ओपन होगा। बरुई कितना दूर है? वो तो ओपन होगा ना शायद, नहीं वो भी बंद, पूरा बंद। बाप रे, आपको सोनारपुर में खुला? सोनारपुर में कितना दूर है सोनारपुर? यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर से कम होगा यहाँ से सोनारपुर। ये वीकली है क्या लॉकडाउन, साप्ताहिक लॉकडाउन है क्या? वीकली लॉकडाउन है। बाप रे, कैसे होगा। तो फैले गए इधर के लगभग सभी एरिया बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो सब कुछ बंद था, सब कुछ दुकान बंद था, काफ़ी मतलब भूख भी लगी थी। तो सोचा हूँ कि कोई दुकान देखूँ, लेकिन कोई दुकान मिल नहीं रहा था, तो यही एक बहुत टाइम बाद एक दुकान मिला है, तो यहीं पे आया हूँ कुछ नाश्ता पानी करने के लिए, फिर खा के निकलते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर कोलकाता है और बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी 1 बज रहे हैं। और यहाँ पे आए इसके आसपास के मतलब बरुई, ये बरुईपुर है, और इधर मतलब क्या है कि वीकली लॉकडाउन रहता है, जो भी लोकल
क्या होता है ना कि वो एरिया सेलेक्टेड रहता है कि इस एरिया में इस दिन लॉकडाउन रहेगा और उस एरिया में इस दिन लॉकडाउन रहेगा, तो इसी तरह सब कुछ है। तो सब कुछ बंद है इधर, बस यही एक दुकान खुली थी तो यहीं पे आए हैं और कुछ नाश्ता करने। तो ये रहा आज का नाश्ता, कोई दुकान ओपन नहीं था तो इतना से एडजस्ट करना ही पड़ेगा भाई। तो गाइज फाइनली एक बार फिर से कोलकाता में एंट्री मिल गया और आज का डेस्टिनेशन है मेरा खिद्रपुर, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। अब अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ से 18 किलोमीटर दिखा रहा है, तो आराम से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता में हमें आज तक कभी टेंशन ही नहीं हुआ राइड करने में, क्योंकि क्या है ना कि रात को 8-9 बजे तक भी हम राइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उधर सिटी एरिया है, सब लाइट वाइट हमेशा रहता है तो और टेंशन नहीं रहता है। लेकिन अब और प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पास हेडलैम्प भी हो गया है। मैं जब गोपाल नगर में था तो वहीं पे हेडलैम्प ले लिया, क्योंकि रात में कभी कभी भी राइड करनी पड़ जा रही है तो वो रहेगा तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, तो इसलिए उसको मैंने ले लिया। काफ़ी अच्छा लगा फिर से कोलकाता में आके, मज़ा आ रहा है। सो फाइनली गाइस, जैसा कि मैं अभी कुछ टाइम पहले एंट्री किया हूँ और यहाँ पे जा रहा था रास्ते में ही, तो यहीं पे कुछ दादा लोग मिल गए थे, तो मतलब इन लोग से बातें हुई, फिर चाय नाश्ता हो रही है अभी। तो ज़्यादा दूर का अब डेस्टिनेशन नहीं है, लगभग 15-17 किलोमीटर का और है, तो बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। अभी समथिंग 4 बजने वाले हैं, तो आइए हम दादा लोग से मिलाते हैं। तो ये रहे दादा लोग, तो काफ़ी अच्छा लगा, इन लोगों का बहुत सपोर्ट, बहुत हेल्प मिला, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि हम जैसे लोगों को सपोर्ट मिल रहा है और आगे पढ़ने को भी मतलब डेडिकेट किया जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है हम लोग को कि नहीं ठीक है तो ठीक है, आइए हम मिलते हैं। और ये रहे दादा लोग, तो काफ़ी अच्छा लगा। अभी चाय नाश्ता हुआ और अभी नूडल्स खाएंगे, फिर खाने के बाद के आगे की राइड को कंटिन्यू हम करते हैं। तो फैमिली गाइस, ऐसा है कि अब मैं पहुंच चुका हूं समीर भाई के पास और बज रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं 6:30 बज रहे हैं। प्लान ऐसा था कि 4:30 या 5 बजते मैं आ जाऊंगा, लेकिन बीच में मेरा जो बैग का चैन था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से राइड को थोड़ा स्लो करना पड़ा और पीछे का जो लैगेज भी था वो भी थोड़ा डैमेज हो गया था, तो इस वजह से उसको राइड को होल्ड पे रख के बाकी सब कुछ ठीक किया। काफ़ी टाइम लगा और जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने की वजह से राइड को थोड़ा मतलब देर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम से आ गया हूँ समीर भाई के यहाँ और आराम से नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह निकलेंगे उड़ीसा के लिए। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे, कहाँ तक का डेस्टिनेशन बन पाएगा। अभी गूगल मैप पर कुछ नहीं देखा हूँ क्योंकि सुबह तुरंत जगा हूँ, तुरंत निकला हूँ, क्योंकि आज लगभग 90 किलोमीटर की राइड हो गई, 90 किलोमीटर प्लस है, काउंट नहीं किया हूँ अभी, अब काउंट करूँगा। और ये है, देख सकते हैं आप समीर भाई को, समीर भाई ब्लॉग्स आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया था और आज फिर दे दूँगा इस वीडियो के में, तो काफ़ी अच्छा लगा। सो ये रहा मेरा आज का शाम का डिनर, आप लोग देख सकते हैं आपका डिनर बना हुआ है। रात के बज रहे हैं 12 और 12 बजे हम लोग का डिनर हो रहा है, तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे तब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, बाकी सब बेटर है। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।